गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज आपका ये मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, इसमें हमने 1.2 पहले लेक्चर में फिनिश कर ली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू में इससे पहले आपको हर एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारी प्लेस वैल्यू है अब तक हमारे पास 1000 तक आई हुई है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम नंबर नेम लिखते हैं तो उसके ऊपर हम सबसे पहले क्या शो करते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू, कि वो कौन से प्लेस पे है। कहाँ से शुरू करेंगे? वंस से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। अब इसमें आपको ये जो एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये टॉपिक है जो, इसमें आपको प्लेस वैल्यू बतानी है जो नंबर आपको दिया गया है उसकी। तो सबसे पहले हम ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, ये है 4583। ओके, देखिए 4583। ओके, हमने ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ओके, अब मैंने आपको यहाँ शो करने के लिए लिखा हुआ है कि वंस में क्या होता है वन, टेंस में टेन होते हैं, हंड्रेड में हंड्रेड एंड थाउजेंड में थाउजेंड। तो हमने इनके ऊपर प्लेस वैल्यू यहाँ पे रखी है। देखिए थ्री के ऊपर वंस, एट के ऊपर टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड। तो हम इसी तरीके से इसमें लिखेंगे इनको बॉक्स में, वंस के नीचे थ्री, टेंस के नीचे एट, हंड्रेड्स के नीचे फाइव एंड थाउजेंड्स के नीचे फोर। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट है जो, ये है 4583, ये गिवन है हमें। अब हम इसको देखिए प्लेस वैल्यू कैसे करते हैं। देखिए ये थ्री है, ये किसके कॉलम में है? वंस के कॉलम में है, वंस के कॉलम में है ना। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री, थ्री की प्लेस वैल्यू कितनी है? वन है, बताया था ना मैंने यहाँ पे वन है। तो थ्री मल्टीप्लाई बाय वन कर देंगे, मतलब जिसकी प्लेस पे है ना वो उसी से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में। जैसे थ्री हो गई ये। फिर एट किसकी प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे है। टेंस में कितना आता है? टेन कैसे लिखते हैं हम? वन, ज़ीरो। तो एट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? टेन से। तो कितना आ गया? एट टेंस आर एट ही। ओके, नेक्स्ट इज फाइव, किसकी प्लेस के नीचे है? हंड्रेड्स की। तो फिर फाइव को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हंड्रेड से। तो कितना हो गया? फाइव हंड्रेड। नेक्स्ट है फोर, थाउजेंड की प्लेस के नीचे है। ओके, तो फोर को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? फोर थाउजेंड। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, फाइव वन इज फाइव एंड डबल ज़ीरो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये है। तो अब इनको सबको ऐड कर देंगे, थ्री ज़ीरो 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 कितना हुआ? थ्री। एट एट ज़ीरो ज़ीरो एट, फाइव एट ज़ीरो फाइव एंड फोर इज़ फोर। तो ये क्या बन गया? 4583। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो मल्टीप्लाई है, अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखो हंड्रेड है, ठीक है, फाइव के साथ आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे करते हैं, फाइव ज़ीरोज़ आर, किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसका आंसर कितना आता है? ज़ीरो आता है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे बात, अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? ज़ीरो आता है। तो फाइव ज़ीरोज़ इज़ ज़ीरो, फाइव ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, फाइव वन इज़ फाइव, कितना आया? फाइव हंड्रेड। कितना लिखा है हमने? फाइव हंड्रेड। अब ऐसे ही थाउजेंड का है, थाउजेंड किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? फोर से। ठीक है, फोर ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, फोर ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। मैंने आपको बताया था ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी नंबर को ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, चाहे वो थाउजेंड के साथ मल्टीप्लाई कर लो ज़ीरो को, चाहे आप वन के साथ कर लो। फोर ज़ीरो ज़ार ज़ीरो एंड फोर वन इज़ फोर, कितना आया? फोर थाउजेंड। कितना लिखा हमने? फोर थाउजेंड। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम, मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाती हूँ। ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3। ओके, ये जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है तो मल्टीपल चॉइस, लेकिन आप इसको अगर सॉल्व करके देखोगे तभी आपसे सॉल्व हो पाएगी, बिना सॉल्व करे आपको, आप इसको आंसर नहीं कर सकते। द प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन, किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है? सेवन की पूछी है ना, किस में? इन, मतलब में, किस में? 3672 में। किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है हमें? सेवन की। तो सबसे पहले हम सेवन को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, अब हमें सबसे पहले इनके ऊपर क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। किसकी पीछे है? सेवन की। तो सेवन कहाँ है? किसकी प्लेस के नीचे है?
टेंस की प्लेस के नीचे, इसका मतलब ये हुआ कि सेवन मल्टीप्लाई किसकी प्लेस में है, टेंस की प्लेस में, तो टेन से मल्टीप्लाई होएगा, तो सेवन टेन इज इक्वल्स टू 70। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में कहाँ है 70, ये रहा ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 8341 इज, 8 की प्लेस वैल्यू कहाँ है पूछिए उसने, ठीक है, तो 8 कहाँ है, ये रहा, तो हम सबसे पहले इनके ऊपर क्या मार्क करेंगे, प्लेस वैल्यू। ओके अब 8 कहाँ है, 1000 की प्लेस पीएम, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 है, 1000 में कैसे लिखते हैं हम 1000 को, 1000। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो इसका सिंपल तरीका ये है, 8 1 इज 8 और ये 30 आ जाएंगे इसकी। ओके या फिर इसको सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो आप, तो ये कितना हुआ 8000। अब कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये वाला ऑप्शन है। ओके इसी तरीके से आप ये वाले दो सम और ये सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके अब आप इन्हें अच्छी तरीके से समझेंगे, वीडियो को एक बार नहीं समझ में आ रहा है दो बार देखेंगे, दो बार नहीं समझ में आ रहा है 3 बार देख लेंगे। ओके इसके बाद हम एक्सपेंडेड फॉर्म वाला नया और न्यू टॉपिक है वो हम इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे, तब तक हम ये सम सॉल्व कर लेते हैं। ओके बेटा टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।